Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates, like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम लास्ट टू टॉपिक्स कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एंड देन ये चैप्टर ओवर. लास्ट टू टॉपिक्स बचे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. देन इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बिलो. फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना या फिर ज़्यादा आउटपुट निकालना कम कॉस्ट में. ठीक है, इसको पढ़ते हैं. मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द एंटरप्राइज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू मीट वेरियस नीड्स. ठीक है, मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो ताकि वो अपनी वेरियस सेटिस्फाई कर सके. ओके, द इन्वेस्टर्स मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट ईटीसी. जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी रिटर्न देना पड़ता है उनकी मनी पे. ठीक है, डिविडेंड में, इंटरेस्ट के फॉर्म में. तो प्रॉफिट कैन बी अर्न व्हेन मैनेजर मेक बेस्ट यूज ऑफ मैन मनी मटेरियल मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज. प्रॉफिट कब मिलता है? जब जो मैनेजर होता है वो मैन का, इंसान का, पैसों का, मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स का, मशीन का, इन सब का सही तरह से उपयोग करता है तभी उसको प्रॉफिट मिलता है. दे शुड इंश्योर मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट कम कॉस्ट में. आई होप दिस क्लियर. सेकेंड इज प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ. देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी तो हर बिजनेस का एम होता है. ठीक है, उसके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई काम क्यों करेगा. सेकेंड है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ग्रोथ करना. मैनेजमेंट शुड एम एट कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो मैनेजमेंट है वो यही एम करता है कि हमारी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यू बेसिस पे इंक्रीज होती रहे. ठीक है, इट शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि पीपल जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट दें. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ लीडरशिप. सही लीडरशिप रहेगी, शुरू से ही सही प्लानिंग रहेगी, सही कंट्रोल रहेगा, सही लोग लीडर करने वाले, तो फिर ग्रोथ तो ऑब्वियसली होगी. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट कैन सिक्योर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल. नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स. थिंग्स से ज़्यादा पीपल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा नेसेसरी है. पीपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंग्स. मैनेजमेंट शुड मोबिलाइज द बेस्ट टैलेंट. इट शुड सीक टू डेवलप ह्यूमन टैलेंट बाय एनकरेजिंग इनिशिएटिव स्किल्स एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस. उनको इनिशिएटिव देना बीच बीच में, उनके लिए कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको एनकरेज करना. तो इन सब से क्या होता है, इंसान भी डेवलप होता है. जब उनको उनकी मेहनत का थोड़ा इनिशिएटिव मिलेगा तो वो और ज़्यादा काम करेगा. ठीक है, इट शुड प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. उनके लिए ट्रेनिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज देना ट्रेनिंग की एंड उनको पार्टिसिपेट कराना मैनेजमेंट में, इन सब से पीपल्स डेवलप होते हैं. ओके, नंबर 4, डिसिप्लिन एंड मोरल. मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन इम्प्रूव करें. ठीक है, मैनेजमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग डिसिप्लिन अमंग पीपल बाय एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी. किसी को किसी काम की अथॉरिटी देना, किसी को उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना. अगर किसी पर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो अपना बेस्ट देते हैं उस काम को करने में कि किसी ने मुझे कुछ सोच के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं अपना काम अच्छे से करूँगा.
ठीक है. सो एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंट्रोड्यूसिंग प्रोसीजर्स ऑफ इवेल्युएशन एंड कंट्रोल. उन लोगों से प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है. इट इंक्रीज डिसिप्लिन एंड मोरल. इट मोटिवेट्स पीपल थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. नंबर 5, इम्प्रूविंग इमेज. ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी इमेज, उसकी गुडविल बनी रहे, दिन पे दिन इम्प्रूव हो, ठीक है. सो गुड मैनेजमेंट ऑलवेज अटेम्प्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन अ साउंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मेंटेन करके रखता है, हो सके तो उसको और बढ़ाता है. ओके. फॉर दिस पर्पस मैनेजमेंट इंश्योर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस. इसके लिए वो कहते हैं बिना रुकावट के बिजनेस जो है स्मूथ चलता रहे थ्रू बेटर प्लानिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल. उसके लिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई रुकावट नहीं आएगी अगर पहले से प्लान करके चलेंगे तो. एंड इफेक्टिव कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला भी बंदा अच्छा होना चाहिए, ठीक है. जो अच्छे से कंट्रोल कर सके तभी बिजनेस जो है बिना रुके चलेगा, स्मूथ चलेगा. अगर कंट्रोल अच्छा होगा तो कोई अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है. इसलिए स्टडी में भी आपको पहले से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए. नंबर 6, राइटफुल डिसीजन मेकिंग. देखिए डिसीजन तो हर स्टेप पे लेना पड़ता है बिजनेस के, कभी किसी चीज़ का डिसीजन, कभी किसी चीज़ का, ठीक है. तो एसेंशियल पार्ट होता है मैनेजमेंट का डिसीजन लेना, ठीक है. डिसीजन मेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स टेक डिसीजन एट एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस. द क्वालिटी ऑफ डिसीजन ऑफन डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज. डिसीजन लेने से ही पता लगता है कि एंटरप्राइज का फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है. तो देयरफॉर मैनेजमेंट शुड एम एट मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. सही निर्णय सही समय पर लेना, ठीक है. नाउ लास्ट नंबर 7, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस. अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को कम रेट पे, एट फेयर प्राइस, जितना है रीजनेबल रेट उस पे प्रोवाइड करना, ठीक है. लेकिन क्वालिटी के गुड्स, तभी गुडविल बनेगी. वो लोग कहेंगे कि वो जो है एक तो हमें क्वालिटी के गुड्स देते हैं, ऊपर से इतने रीजनेबल रेट पे देते हैं, तो उसकी गुडविल तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है. मैनेजमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइसेस. मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, ये एम होता है क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना एट रीजनेबल प्राइस. इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम, लेकिन अगर इस एम को अचीव करना है तो उसके लिए अब ऐसे तो है नहीं कि किसी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग रही है और वो उसको उससे कम प्राइस पे देगा, ज़्यादा नहीं तो एक दो रुपये बढ़ा के देगा, राइट. वो भी उसमें बीच में एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स ये सब आते हैं, लेकिन उनको फेयर प्राइस पे देना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करते हैं, जो वेस्टेज होती है ना उसको रिड्यूस करना पड़ता है, उनको एलिमिनेट करना पड़ता है, वेस्टेज को हटाना पड़ता है. हर प्रोडक्ट सही बने उसमें अगर वेस्टेज होगी तो दोबारा से उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा, उतना दोबारा वेस्ट होगा. लेकिन अगर एक ही बार में अच्छे से हो जाएगा, वेस्टेज कम होगी, तो वो रीजनेबल प्राइस पे गुड्स दे सकता है. तो उसके लिए ऐसे लोग चुनने पड़ते हैं, ऐसे वर्कर चुनने पड़ते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है काम करने का अच्छे से, और जो वेस्टेज नहीं करते, ठीक है. इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम मैनेजर ट्राई टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ वेस्टेज एंड देयर बाय रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इससे कॉस्ट कम हो जाती है प्रोडक्शन की एंड वो फेयर प्राइस पे गुड सेल कर सकता है. इन दिस वे मैनेजर कैन सर्व द कम्युनिटी. ऐसे वो कम्युनिटी को सर्व करता है, क्लियर. We study 7 objectives of management. Now, importance of management. Management की importance क्या है? First है achievement of group objectives. Group objectives को achieve करना, ठीक है. Human group consists of several persons. एक group में कई लोग होते हैं. हर बंदा किसी एक काम को अच्छे से करता है, ठीक है. Specializing in doing a part of the total task. Each person may be working efficiently. हर बंदा अच्छे से काम करता है लेकिन उसको रियलाइज नहीं करा जाता क्योंकि वो ग्रुप में काम करता है तो पता नहीं लग पाता, ठीक है. बट
the group as a whole cannot realize its objective without mutual cooperation and coordination among the individual effort. मैनेजमेंट क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट इन द ग्रुप. मैनेजमेंट जो है ग्रुप में कोऑर्डिनेशन एंड टीम स्पिरिट क्रिएट करता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके और वो जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सके ताकि उन दोनों में ताकि ग्रुप में कोऑपरेशन रहे, कोऑर्डिनेशन रहे लोगों के बीच में. क्लियर. सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज करना. मैनेजमेंट ब्रिंग्स टूगेदर ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज इन द राइट प्रोपोर्शन. मनी, मैन, मटीरियल, मशीनरी ये इनइफेक्टिव प्रूव होंगे अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो. ठीक है, इन सब का भी कुछ काम नहीं है अगर मैनेजमेंट ही सही नहीं होगा तो. बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. रिसोर्सेज का अगर अच्छी तरह से यूज होगा तो ये हेल्प करेगा बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में. क्लियर. और इसके लिए मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए पहले से, उसके बाद ही अच्छा यूज हो सकता है रिसोर्सेज का. अगर पहले से प्लानिंग करके चलेंगे कंट्रोल अच्छा होगा. नंबर 3 मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट को मिनिमाइज करना ताकि आप फेयर प्राइस पे सेल कर सको. अगर कॉस्ट कम होगी तभी आप उसको फेयर प्राइस पे सेल कर सकोगे. अगर उसको बनाने की कॉस्ट ही गुड को बनाने की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा होगी तो कैसे होगा. तो इसलिए उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना. ठीक है. इन द मॉडर्न ईरा ऑफ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली वैन इट इज़ एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. ये जो है कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, इसमें बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को सेल करे, जिनकी ज़रूरत है उसको सेल करे कम प्राइस पे. ठीक है. अगर सब लोग एक ही चीज़ को सेल किए जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है भी नहीं इतनी, तो फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि लोगों की डिमांड तो है ही नहीं उस चीज़ की. तो जिस चीज़ की डिमांड है उसको सेल करना और वो भी कम प्राइस पे, तो इससे बिजनेस और बढ़ेगा. ठीक है ना. द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट. वेस्टेज को एलिमिनेट करके, कॉस्ट को मिनिमाइज करके मैनेजमेंट इनेबल्स एन एंटरप्राइज टू फेस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन. क्लियर. नंबर 4 हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मैनेजमेंट इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट फॉर सोसाइटी एज अ होल. मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं होता, पूरी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी होता है. इट रेजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाता है मैनेजमेंट. ठीक है. लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाता है मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देकर रिजनेबल रेट पे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देके उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है मैनेजमेंट. ठीक है. इट रेजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट. नंबर 5 जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है मैनेजमेंट बाय सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइज को सेटअप करके या फिर बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा के एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइज. या तो कोई नया बिजनेस खोल के या फिर जो बिजनेस चल रहा है उसी को और बढ़ा के, जब वो बढ़ेगा तो उसमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर न्यू एंटरप्राइज है तो उसमें भी और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे लोगों को जॉब मिलेंगी. ठीक है. मैनेजर्स क्रिएट जॉब फॉर दी पीपल. पीपल लर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन दिस एंटरप्राइजेस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ी. ये लास्ट 2 टॉपिक रह गए थे इस चैप्टर के एंड दैट्स क्लियर. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है मैनेजमेंट की. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए, ISC के ओनली 12th के, अगर किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ कमेंट बिलो. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उन पर भी बनाया जाए. इफ़ यू वॉन्ट इन लैंग्वेज और हिंदी
सो उस पर आप बताना। आगे हम मोटिवेशनल वीडियोस बनाएंगे बोर्ड्स के लिए टिप एंड ट्रिक्स, सो फॉर डेट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।